इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को हटाने का कोशिश करती है पूरी, और एक तरफ ये भी कहती है MIM और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं वो वोट काटने का काम करते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब की बार शायद सुपा। देखिए सर, मैं जनता सब जानती है उसको क्या करना है, जनता को सब मालूम है अब की बार 400 पार करना है कि अब की बार 40 पार करेंगे कि या नहीं करेंगे वो भी नहीं मालूम है ना। पहली बात तो जनता मिलेगा अब की बार डॉक्टर गफ्फार, ये मेरा कहना है, और चुनाव चिन्ह है स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप देखकर ही बटन दबाइएगा, ना कि दूसरा कोई बटन दबाना है। अरे कि हमारे जो यहाँ के जो बेसिक नीड्स है, बेसिक प्रॉब्लम है, उसको मैंने देखा और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे पता है, इसलिए मैं इस सीट से खड़ा हुआ हूँ और इसकी आवाज़ मैं लोकसभा में उठाना चाहता हूँ, ताकि बार 400 पार का नारा ये इंशाल्लाह ताला ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसका इसके लिए रोकने, ये 400 पार का जो नारा है किसी एक धर्म विशेष के लिए लोग यूज कर रहे हैं। मैं हूं अम्मार खान, आप देख रहे हैं RATV न्यूज। नॉर्थ सेंट्रल सीट से मुस्लिम कैंडिडेट कोई नहीं था महाविकास आघाड़ी में। पिछले कई दिनों से आरिफ नसीम खान, जो कि महाविकास आघाड़ी के काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सवाल उठा रहे थे। बता दें नौ इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं डॉक्टर अब्दुल गफ्फार सर, जिनसे आज हम बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, आप इंडिपेंडेंट किस बिना पे खड़े हो रहे हैं, और आपको चुनाव चिन्ह क्या दिया गया, आप लोगों से क्या अपील करेंगे, आप क्या उम्मीद रखते हैं लोगों से? सबसे पहले तो मैं लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 29 नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, ये मेरा चुनावी क्षेत्र है लोकसभा का, इसके तहत मैं आज़ाद उम्मीदवार बोल के खड़ा हुआ हूँ। अब लोगों का कहना है कि इस पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दी गई इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन मुझे देखिए, मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम कैंडिडेट है या नहीं है। मैं एक पेशेवर डॉक्टर हूँ, मेरा काम है इंसानियत के लिए काम करना, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई अन्य धर्म से हो। मैं सिर्फ लोगों की सेवा के लिए इस बार लोकसभा के इलेक्शन में उतरा हूँ। वैसे तो मैं बिना इलेक्शन के अब तक मैं सेवा कर ही रहा हूँ। मैं कैंडिडेट मुस्लिम हूँ ये मत देखिए, मैं एक पेशे से डॉक्टर हूँ ये देखिए, और डॉक्टर अच्छा काम करता है ये सारी दुनिया जानती है। जैसे COVID-19 के टाइम पे आप लोगों ने डॉक्टर की सेवा देखी हुई है कि डॉक्टर अपनी जान पे हथेली, जान जो है हथेली पे लेके काम कर रहे थे, लेकिन वो दिन और आज का दिन दोनों एक जैसा मत बनाइए, क्योंकि आज जो है, आज हमको देश को बचाना है। देश को इसलिए बचाना है क्योंकि दुनिया का हाल देख रहे हैं हम लोग, और हिंदुस्तान का हाल देख रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे कोई दूसरा मसला मसाइल खड़ा हो, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जनता का विकास हो। जनता का विकास कैसे होगा, जबकि हम किसी धर्म को लेके ना चले तो जनता का विकास होगा। अब जैसे कोई बोलता है कि कुछ और आजकल मार्केट बहुत चल रहा है, कोई किसी धर्म को XYZ धर्म को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन मैं वो सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 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 लोगों की सेवा ही करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये रहेगा आपसे, जैसा कि देखा जाता है कि महाविकास आघाड़ी हमेशा से ये आरोप लगाते हैं MIM पर कि वो वोट काटने के लिए अपना दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देती है। यही सीट से एडवोकेट रमजान चौधरी को भी खड़ा किया गया, और कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं खड़े हुए हैं यही कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, क्या आप भी महाविकास आघाड़ी का जो एक मकसद है बीजेपी को हटाने का, कि आप भी वोट काटने के लिए खड़े हुए कि लोगों के विकास के लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको यही बोला हूँ कि मुझे किसी पार्टी से या किसी धर्म, विशेष धर्म से ना जोड़े। मैं किसी पार्टी का क्या मंशा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है।
वो पार्टी क्या करती है, ये पार्टी क्या करती है, कोई पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं किसी पार्टी से टिकट ना लेते हुए इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा हूँ, अपक्ष उम्मीदवार खड़ा हो रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मुझे लोगों की सेवा करना है निष्भाव से, ना कि किसी के ऊपर जलन से या किसी के विशेष धर्म के जलन से, ऐसा कोई मेरा मंशा नहीं है। मेरी मंशा है कि लोगों का विकास हो, सबका साथ सबका विकास। जो आज से कुछ साल पहले हमारी जो बड़ी पार्टी है उसका ये नारा था, लेकिन वो नारा भूल चुकी है, तो वो नारा मेरा है, सबका साथ सबका विकास। हाँ, और दूसरी बात ऐसी है कि इंडिया अलायंस ने जो किया होगा वो उनका कुछ कूटनीतिक होगा पॉलिटिकली, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट की बात आप कर रहे हो, बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट इस बार लोकसभा में खड़े हुए हैं और बहुत सारे बाहर भी हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर लोकसभा में खड़े रहने की वजह यह है कि हमारे जो यहाँ के जो बेसिक नीड्स है, बेसिक प्रॉब्लम है, उसको मैंने देखा और इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे पता है। इसलिए मैं इस सीट से खड़ा हुआ हूँ और इसकी आवाज़ मैं लोकसभा में उठाना चाहता हूँ, ताकि हमारे यहाँ के पब्लिक की आवाज़ वहाँ उठेगी तो यहाँ पे विकास होगा। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की पब्लिक जो है आपको सपोर्ट करेगी? देखिए सर, मैं आज तकरीबन इस क्षेत्र से, इस पूरे क्षेत्र से तकरीबन मैं 15 साल से सेवा कर रहा हूँ निष्भाव से, तो मुझे लगता है कि जनता मुझे जानती है, मेरे स्वभाव को जानती है, मुझे जानती है और मेरे कार्य को जानती है, क्योंकि मैंने जो काम किया हुआ है निष्भाव से, मैं टोटली लोगों की सेवा इस तरह से निष्भाव से करता हूँ कि किसी का कोई भी काम हो मेरे पास आता है तो मैं उसको कभी ना नहीं बोलता हूँ, उसका वो काम करके देता हूँ। इंशाल्लाह ताला इस बार भी अगर जनता मुझे दिल खोल के अगर वोट करती है, और मेरा चुनाव चिन्ह ये स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर को यूज करने का आला, जिसको बोलते हैं हिंदी में आला, स्टेथोस्कोप, ये मुझे चुनाव चिन्ह मिला हुआ है। इस चुनाव चिन्ह के जरिए से मैं लोगों की सेवा में उतरना चाहता हूं और लोग मुझे खुल के वोट करेंगे, मुझे इसका पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है, क्योंकि यहाँ के लोगों को निष्भाव से मैंने बहुत सेवा किया हुआ है, तो लोग मुझे अपने अच्छा उम्मीदवार समझ के मुझे लोकसभा भेजेंगे, मुझे इसकी पूरी पूरी आशा है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये रहेगा, अब की बार 400 पार, इस बारे में क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार, ये नारा तो बहुत सुना हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब की बार 400 पार, क्योंकि इस बार आपको क्यों नहीं लगता है? क्योंकि देखो, ऐसा बताया जाता है जो इंडिया अलायंस है उसका ये कहना है, और जो महाविकास आघाड़ी की युति है, जो भी मतलब सत्ताधारी पार्टी जो मजबूत पार्टी है, उनका ये कहना है कि इंडिया अलायंस जो है वो बीजेपी को हटाने का कोशिश कर रही है पूरी, और एक तरफ ये भी कहती है MIM और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं वो वोट काटने का काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब की बार 400 पार? देखिए सर, मैं जनता सब जानती है उसको क्या करना है, जनता को सब मालूम है आपकी बार 400 पार करना है कि आपकी बार 40 पार करेंगे कि या नहीं करेंगे, वो भी नहीं मालूम है ना। पहली बात तो जनता के हाथ में, जनता जनार्दन के हाथ में, मैं कुछ भी बोलूं या कोई पार्टी कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपकी बार 400 पार का नारा ये इंशाल्लाह ताला ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसका इसके लिए रोकने, ये 400 पार का जो नारा है किसी एक धर्म विशेष के लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं और संविधान की ईंट बजाने के लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बाबा साहब का संविधान है, उसको हम सब मिलकर बचाएंगे, और इंडिया अलायंस हो चाहे कोई अलायंस हो, जो बाबा साहब के संविधान को बचाएगा उसके साथ मैं हूँ और पूरी जनता है इस देश की। एक आखिरी सवाल, 29th नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के लोगों से आप क्या अपील करें? 29 यानी 29 नॉर्थ सेंट्रल मुंबई, यहाँ की जनता से मेरा एक ही निवेदन है, मेरा नाम डॉक्टर गफ्फार सैयद इब्राहिम और मेरा चुनाव चिन्ह है स्टेथोस्कोप, इसके बटन को आप दबाकर मुझे फुल बहुमत से ले आइए, और लाने के बाद आप मेरा कार्य देखिए,
अगर आपको ऐसा लगा कि भाई ये आदमी सक्षम नहीं है, आप मुझे कभी भी बोल सकते हैं, मैं आपके लिए 24 घंटा 24/7 आपके काम के लिए खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र से ही हूं, मैं किसी बाहर से नहीं आया हूं। क्योंकि बड़े बड़े जो पार्टी के लोग हैं, कितने लोग तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के है ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हूं, और छोटा सा बड़ा यानी मेरी उम्र इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में खत्म होने जा रही है। मुझे लोगों से ये उम्मीद है, मुझे भरपूर प्यार मिलेगा और भरपूर वोट मिलेगा। अब की बार डॉक्टर गफ्फार, ये मेरा कहना है, और चुनाव चिन्ह है स्टेथोस्कोप, और स्टेथोस्कोप देखकर ही बटन दबाइएगा, ना कि दूसरा कोई बटन दबाना है। अगर आप स्टेथोस्कोप को दबाओगे तो आपका बेड़ा पार होने के चांसेस है, और बेड़ा पार चांसेस होने का मतलब है कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का विकास होना, विकास होने का मतलब है लोगों को नौकरी, शिक्षा और सेहत, ये तीनों चीज अच्छे से अच्छे मिल सकती है आपको। तो ये जो डॉक्टर गफ्फार सैयद इब्राहिम जो हमसे बात कर रहे थे, अब देखने वाला ये विषय होगा 29 नॉर्थ मुंबई सेंट्रल के लोग किस तरीके से इनको सपोर्ट करते हैं, क्या ये अब की बार लोकसभा चुनाव में जीत के आते कि नहीं, ये देखने वाला विषय होगा। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरएटीवी न्यूज़। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई न्यूज़ के साथ। अम्मार खान।